नमस्कार ब्लास्ट ओडिया न्यूज को स्वागत। आज 23 जुलाई 2020 कतोटी मुख्य खबर ब्लास्ट ओडिया न्यूज आपनको माने आसीछि। भारत रे कोरोना स्थिति आज 23 जुलाई गुरुवार मध्य भारत रे नुआ कोरोना आक्रांत संख्या 11,92,915 को वृद्धि होइतिया बेले मृत्यु संख्या 28,732 रे पहुंचीछि। 7,53,050 संख्यक रोगी सुस्थ होइ घर को फेरिछन्ति एवं 4,11,133 जन कोरोना रोगी वर्तमान सुधा कोरोना सह संघर्ष जारी रखिछन्ति। तैल दर हेब आकाश छुआ। कोरोना टीका को नहीं अस्वस्थ होगा भाई खबर मिलवा सह यूरोपीय संघ प्रोत्साहन पैकेज घोषणा करने पर आंतर्जातिक बजार में अशोधित तैल दर वृद्धि घटी। ब्रेंट क्रूड रो ब्यारेल पिछा दाम 311 सेंट वृद्धि पाई 43.59 डलार होती। अमेरिकार अशोधित तैल दर 19 सेंट वृद्धि पाई 41 डलार होती। जल जोगाण प्रकल्पर शिलान्यास करेंगे मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 23 मणिपुर जल जोगाण प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे यही उद्घाटन हेबो। राजधानी इम्फाल ठारे यही अवसर रे राज्यर राज्यपाल मुख्यमंत्री राज्यर मंत्रिमंडल सदस्य सांसद और विधायक मैंने जोगदेवार कार्यक्रम रही। हर घर जल लक्ष्य नहीं 2020 सुधा देशर ग्रामांचल सबु परिवार को आवश्यक परिमाणर निरापद पानी जल जोगाई देवाई केन्द्र सरकार जल जीवन मिशन आरंभ कर। एलएसी रे 40,003 सेना। पूर्व लद्दाखर समस्त संवेदनशील अंचल सेना प्रत्याहार निष्पत्ति को चीन कार्यकारी करूना। गलवान अंचल सेना प्रत्याहार करने पर चीन एवं अन्य केतक अंचल निजर सेना मुत्यन स्थित को पूर्ववत कायम रखी। विशेषकर पंगंग तथा पिंगर थाइप अंचल चीन आदो सेना प्रत्याहार करूना। भारत एवं चीन को रेड लाइन संपर्क में चेताई सबू अंचल मार्च एप्रिल जो स्थित रोला से स्थित को चीन फेर बाध्य कह। एटी सर जाइए आज मुख्य खबर पुणी देखा आसंता कालीर मुख्य खबर रे। लेटेस्ट न्यूज तथा अधिक जानापी साइन अप करूँ ब्लास्ट ओडिया टीवी।